हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इंडसियर ट्रेडर्स में। तो आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो अभी टाइम हो रहा है 11:16। हम कॉल की तरफ का कॉल बाय किए हैं 4 लॉट। तो आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, इसके बाद एक और एक्सपायरी आएगा, उसके बाद ये मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ये वीकली एक्सपायरी इसका बंद हो जाएगा। तो 4 लॉट हम बाई किए हैं, अभी कुछ लॉस चल रहा है 1900 के करीब। इसमें हम लॉस की बात करें तो इसमें हम लॉस मैक्सिमम इसमें 2200 का लॉस लेंगे, और टारगेट इसमें थोड़ा बड़ा रखे हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे। अगर टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट के हिसाब से हमें एग्ज़िट करना होगा। अगर लॉस नहीं दे रहा है, अगर टारगेट के पास जाकर के कैसा बिहेवियर करता है, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो अभी तो लॉस ही चल रहा है, लॉस के करीब, स्टॉप लॉस के करीब आ गए हैं हम। स्टॉप लॉस के करीब है, बहुत करीब आ गए हैं। देखिए, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा नीचे ना, तब तक हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। अगर हमें 2000 का लॉस लेना है तो उसमें अगर 2200 भी हो जाता है, 2500 भी हो जाता है, तो 2-4-500 रुपया आगे पीछे चलता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें बार बार तो ट्रेड लेना नहीं है, एक ही ट्रेड लेता हूं मैं, और उसी में मेरा जो भी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है उसी में होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें मेरा रोज़ का ट्रेड का स्क्रीनशॉट वहाँ डाल देता हूँ मैं, क्योंकि एक ही ट्रेड लेता हूँ मैं। और लाइव जब आता हूँ मैं तो उसमें भी आप लाइव आ सकते हैं। अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ लाइव भी आ सकते हैं, और कभी कभार क्लास लेता हूँ, जो जो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है, तो उन लोग के साथ मैं क्लास करता हूँ। कोई फीस नहीं है उसका, फ्री में है। मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे अंदर है, थोड़ा बहुत जो सीखा हूँ वो मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी मेरा तो स्टॉक, मतलब ऑप्शन में मेरा आने का 2 साल हुआ है, स्टॉक मार्केट में आने का तो 5 साल हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आने का 2 साल हुआ है, तो जो भी है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है, ठीक है ना। तो अभी कुछ लॉस घट के मेरा 800 के करीब चल रहा है, तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है, अभी प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, देखते हैं। एक्सपायरी वाला दिन में ट्रेड करना यही दिक्कत होता है, ठीक है ना। अभी 3000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, अभी 200-300 में फिर से आ गए, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से घटता है, यही थोड़ा दिक्कत होता है इसमें एक्सपायरी वाला दिन में। तो टारगेट तो मेरा इसमें बड़ा है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। 3000 से फिर जीरो में हम आ गए हैं, तो चल खरी खैर कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या होता है इसमें। हम
लॉस तो इतना बड़ा और नहीं लेंगे, ठीक है ना। अगर ये कंटिन्यू मुझे लॉस दिखाएगा तो हम इसमें एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है ना। अगर 1,000-1,200 या 500 रुपया भी लॉस दिखाने लग जाए, क्योंकि 3,000 रुपये प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से ये जीरो में आ गया है, ये थोड़ा दिक्कत है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है ना। फाइनली अभी हम प्रॉफिट में फिर से आने लग गए हैं, प्रॉफिट मेरा बढ़ने लग गया है, ठीक है ना। तो अभी इस प्रॉफिट को हम जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। अब जो भी आएगा इसको लेके हम एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंतज़ार हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, अचानक ऊपर नीचे हो रहा है, इतना ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर फ्लो में जाता है मार्केट तो ठीक है, अगर नहीं जाता है मार्केट, अगर थोड़ा बहुत अगर बढ़ के फिर से अगर घूमने लगेगा तो हम इससे एग्ज़िट कर जाएंगे। हमें इसमें रुक करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रीन में हमको क्लोज करना है, क्योंकि हम प्रॉफिट में आ गए हैं 2-3 हज़ार का, तो अब हमें ग्रीन में ही क्लोज करना है। अगर वहीं से लॉस हो जाता तो कोई बात नहीं, बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आने के बाद प्रॉफिट को जाने देना दिक्कत है, अच्छा नहीं है। तो 3,000 अगर यहाँ से प्रॉफिट जाने लगेगा तो हम प्रॉफिट को तुरंत बुक करेंगे, ठीक है। घट रहा है प्रॉफिट घट रहा है, हम प्रॉफिट घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना ही सही रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। कितना चल रहा है, 2,200, जो भी है हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कितना प्रॉफिट बुक हुआ, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।